हाजिर जवाबी एमडी अजूबा कपिल एज दरोगा शमशेर, सरगुन एज कन्या और हमारा न्यू टैलेंट मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। हेलो, हाँ जी शमशेर बोल रहा हूँ। एक सेकंड, इससे आवाज नहीं क्लियर आ रही, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ जी एक्चुअली मेरी शादी है, होटल से बोल रहे ना जी। 300 लोगों का खाना अरेंज करना है। जी जी, कितना? 600 रुपये पर प्लेट। ओके, एक काम करें आप, एक ही प्लेट में बार बार डाल के लेके देना। नहीं यार, हमारा खर्चा बच जाएगा, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी, ऐसे नहीं होता। क्या बात कर रही हो यार, मैंने कल एक शादी में देखा, अर्चना की प्लेट में वेटर खा रहा था। अच्छा, प्लेट वेटर की थी? नहीं पता चलता एक्चुअली, दोनों ने कपड़े एक जैसे पहने थे वेटर वाले। हाँ ओ रानी, मैंने कितनी बार कहा है अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा, तुम ऑलरेडी मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो। ऊपर से तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे इसकी वैन के पास नहीं जाने दे रहे थे, पर मैं भी डरा नहीं, डटा रहा मैं। मुझे 2 मुक्के मारे लेकिन डरा नहीं मैं, सीधा बेहोश हुआ मैं। व्हाट द हेल, व्हाट डू यू मीन? तुम्हें क्या लगता था रानी, मुझे पता है आज भी तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए नफरत है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे शादी के लिए मना कर दोगे तो मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी? What do you think? अभी कल ही मुझे कटरीना का फोन आया था। Oh-ho. कहती मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने कहा होल्ड करो, मैंने कहा सलमान भाई आपका फोन। होता है। एक्चुअली आपको मैं बात बताऊं, हमारा 8 साल अफेयर चला है, शादी नहीं हो पाई, हम लोग करने वाले थे लेकिन मेरी बीवी नहीं मानी। अब क्योंकि मेरी बीवी चली गई है तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। घोड़ी से लेकर डीजे तक सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, आज बस कोई लड़की फाइनल हो जाए तो मजा आ जाए। वाह वाह, फॉरेनर गेस्ट भी आए हैं। माफ करना जजमान, आने में थोड़ी देर हो गई। तो जल्दी आता तो कौन सा तू रानी मुखर्जी लेके आता बे? नहीं जजमान, इस बार लड़की बहुत बढ़िया लेकर आया हूँ। क्यों? लाखों में एक है। क्यों? इसके क्या 4 दिन बाद मुझे निकलाती है? ये वैसी लड़की नहीं है, बहुत टैलेंटेड है। किस तरह की टैलेंटेड है? सिंगिंग, जूडो, कराटे, डांसिंग वांसिंग सब कर लेती है। देखो मेरे को बीवी चाहिए अजय देवगन। नहीं सुनो, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मटको। मटकी? ये दही हांडी वाले दिन बाहर ना निकलना, कोई मुंह में दही भर के ना मेरे पत्थर मार के फोड़ देगा मटकी कोई। जजमान आप लड़की में इतनी कमियां निकाल रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है? क्या कमी है मेरे में? एक ही कमी ना, एक पैर में 9 नंबर का जूता आता है, दूसरे में 6 नंबर का। लेकिन नहीं सिर्फ हमें पता, दूसरों को थोड़ी ना पता। वो भी मैं 6 नंबर वाले को उल्टा करके पहन लेता हूँ, लोगों को लगता है 9 नंबर है। पहचान, ये लड़की मेरे को कोई ठीक नहीं लग रही। अरे जजमान बहुत बढ़िया लड़की है, अमीर खानदान की है। अमीर खानदान की? तो अब तक शादी क्यों नहीं हुई इसकी? वो क्या है, थोड़ी सी मांगलिक है। किस तरफ से? जजमान मांगलिक है, कोई दीमक नहीं लगी हुई है किस तरफ से। हाँ। क्या है कि गलत ग्रह में पैदा हो गई थी। गलत ग्रह में पैदा हुई थी तो सही ग्रह में पैदा थी, तब कौन सा शाहरुख से शादी होती इसकी, अभी इसको मेरे जैसे मिलता। बेटी तुम्हें ये आदमी पसंद है? जी मुझे पसंद है। और आदमी तुम्हें ये बेटी पसंद है? उसको बेटी बेटी बोल रहे, मुझे आदमी, मेरी छाती के बाल देख लिए तूने साले, थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं। पसंद पसंद तो वैसे ठीक ठाक है लेकिन मैं काम चला लूंगा। काम चला लूंगा क्या मतलब है? मैं लड़कियों को मोटरसाइकिल थोड़ा ना जो चला लोगे। 6 एपिसोड देखे मैंने, मोटरसाइकिल तेरे से ज्यादा एवरेज देती है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं हैंडल कर लूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? सबसे पहली शर्त है कि दहेज के मैं सख्त साथ हूँ, मेरे को चाहिए चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे परिवार वाले तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। वो तो जिन्होंने देना होता वो तो खिलाफ होते ही हैं। ये क्या मतलब हुआ? देखो लड़की अगर बगाने घर जाती है शादी करके, कुछ ना कुछ लेके जाएगी तो ऐसे अच्छा ही लगता है कि नहीं? अब देखो इसके माँ बाप इसको अगर फ्रिज देते हैं तो ठंडा पानी तो यही पिएगी ना। मेरा क्या है, मैं तो बियर ठंडी करूंगा, मेरा क्या है? अगर ये कल को टीवी लेकर आती है तो सीरियल तो यही देखेगी ना, मेरा क्या है? मैं तो थका रहा हूँ, रात को जाके 5 मिनट एफ टीवी देखना, मैंने सो जाना है। इसलिए ये सब चीजें जरूरी होती है। अब मेरी पहली शादी हुई थी, पहली बीवी पे मैं उसके माँ बाप को मैंने बोला, मैंने कहा भाई देखो हमें दहेज का कोई लालच नहीं है, लड़की 2 कपड़ों में चाहिए, कमीने बेवकूफ लोग बिकनी में भेज दी लड़की। तो इसलिए कुछ दहेज में जरूरी होता है। हाँ जजमान समझ गया, वैसे आपको क्या क्या चाहिए? तुम ही बोलते जा रहे, वो क्यों नहीं बोल रही? वो क्या थोड़ी सी शर्मीली है। शर्मीली इसलिए कोई नहीं है, रानी मुखर्जी के सामने फंबल ना हो जाए इसलिए चुप बैठी हुई है। जजमान ऐसी बात नहीं, लड़की में बहुत कॉन्फिडेंस है, केमिस्ट की दुकान में जाकर खांसी की दवाई ले आती है। तुम इसको कॉन्फिडेंस नहीं कफ कहते हैं बेवकूफ आदमी। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घर में कौन कौन है मटकी? मम्मी, पापा और 17 भाई बहन। क्यों बे पंडित, तू तो कहते थे केमिस्ट जाके दवाई लेके आती है। 17 भाई बहन सुनकर तो लग रहा है मुझे पूरे जिले में कोई केमिस्ट नहीं इनके। ओह माय गॉड। जजमान वैसे ऐसी बात नहीं है, ये बताइए कि आप शादी में, मतलब आप बारात की तैयारी हो गई?
सोच लो क्या बोलना है, आराम से बोलो, उसमें क्या है। सारी तैयारियां हो गई हैं। तो जजमान कब करनी है शादी? देखो आज तो मेरे बड़े दूर के चाचा जी की डेथ हुई है, तो अभी तो नहीं, शाम को कर लें। इतनी जल्दी? मेरे परिवार वालों को भी तो शादी की तैयारियां करनी है। काहे की तैयारियां करनी है, भूखे नंगे लोग दही तो दे नहीं रहे, काहे की तैयारियां करनी है। तुम एक काम करो बेटा, तैयारी करो, मैं बारात में आ जाऊंगा। तू काहे को आएगा बारात में? पहले दो लोग ज्यादा है तो तू क्यों आएगा बारात में? दो लोगों से याद आया, सुनो हम हनीमून कहां मनाएंगे? जहां आप कहेंगे। किचन में? किचन में नहीं, मेरा बेड किचन में लगा, मेरे पास 1 KK फ्लैट है। नहीं, मुझे किसी हिल स्टेशन जाने। अच्छा। कश्मीर चले? आहा हा, कश्मीर। यजमान आप मुझे बारात में तो लेकर नहीं जा रहे, मुझे हनीमून में लेकर चलिए, मैं भी कश्मीर देख लूंगा। मुझे सब पता तेरी हरकतों से, कश्मीर जाके तू कन्याकुमारी देखने वाला है। निकल यहां से, चलो। हाँ ठीक है यजमान, जा रहा हूँ मैं, ये लो। ठीक है, इसमें मंत्र मैंने पढ़ के डाल दिए हैं, आप बाद में पढ़ लेना। पेन ड्राइव में मंत्र क्यों, तू नहीं पढ़ेगा वहाँ पे? अब सारी स्क्रिप्ट तो आप ही पढ़ लेते हैं, 2-4 मंत्र पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कितने गुंडों को पकड़ा है? मैंने बस कभी गिनती नहीं की। क्यों? अब एक आदमी की क्या गिनती करें। वो भी जो मुक्का मार के निकल गया मेरे को, एक आदमी क्या गिनती करनी। अच्छा आप एक बात बताइए जी, आपको कहीं कोई बुरी बुरी लत वत तो नहीं है ना? बुरी लत छूट जाए इसीलिए तो शादी करना। मतलब? मेरा मतलब मैं पता नहीं कमजोरी की वजह से लड़कियां छिड़ जाती हैं, मैं लड़कियां छिड़ जाती हैं मेरे से। बात तो सुनो इधर, दो मिनट, ये जो गया है लड़का और कितना टाइम लगाएगा आने में? मेरी बंदूक किधर गिर गई? ए दूर हो जा मेरी गर्लफ्रेंड से। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्यों तुम्हारा भी है? ये तो बहुत बड़ा बदमाश चिंटू है, तुमने मुझे बताया नहीं तुम इस बदमाश के साथ फंसी हुई हो। ये तो अपुन की साजिश थी, आज अपुन तेरे को इधर ही ठोक डालेगा। ए तेरे को शर्म नहीं आती, निहत्थे आदमी व्यवहार करता है? अबे तेरे पास तो बंदूक है ना, तो ये ले। थैंक गॉड डार्लिंग तुम आ गए, पता है कब से मेरी सबके सामने बेइज्जती कर रहा है। कोई बात नहीं, आज मैं इसको इधर ही ठोक डालूंगा। एक मिनट, आ जा, मर गई। ये तुमने क्या किया? इधर कुर्सी पे आ गिरो, ड्रेस खराब कर दी। इधर आओ। ये तुमने क्या किया? अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी तुमने? अरे भाई एक तच्छा होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बहुत बन जाएंगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। सही बात है, ये दे ताली, इधर दे ताली मेरा। ओ भाई ये क्या किया? मेरे भाई एक तच्छा होना चाहिए, पार्टनर बड़े मिलते रहते बदलते रहते हैं, तो अभी आप लोग नंबर देंगे। अर्चना कपिलिज्म के बारे में आज क्या कहेंगे आप? कपिल, जैसा कि बरखा ने कहा, कपिलिज्म से भरपूर आपका एक्ट होता है। आई नो राइटर्स का बहुत बड़ा हाथ है आपके एक्ट्स में, लेकिन जो आपका पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज इरिप्लेसेबल एंड प्राइसलेस, दैट इज व्हाई यू आर कपिल। थैंक यू मैम। सोहेल, वेरी इंटेलिजेंट एक्ट एंड नेवरदलेस कपिल यू आर आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सोहेल भाई। चलिए अब मीनाक्षी से पूछते हैं, रानी एक रिक्वेस्ट है, आप रानी के जैसे नहीं मीनाक्षी बनकर कमेंट्स दे सकती है? बहुत ही वाकड़ा परफॉर्मेंस था। मैंने इतना एंजॉय किया है, मैं अभी अर्चना और सोहेल से कह रही थी कि मुझे पहले कॉमेडी सर्कस से कभी भी न्योता नहीं आया। और ये मेरी पहली बार मतलब मैं यहाँ आई हूँ और मैंने इतना एंजॉय किया है बिकॉज इट्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑन यू नो टेलीविजन। मैं यही कहूँगी कि आप मीनाक्षी को देखने आइएगा, शायद अगर मैं आप लोगों को हंसा सकूँ आई थिंक इट विल बी समथिंग ग्रेट फॉर मी टू। स्कोर्स हो जाए, सोहेल विल स्टार्ट विद यू, गुड टू गो फॉर अ नाइट। थैंक यू अर्चना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.